गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में तीन प्रभु बताए हैं। ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? तीन प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। निरंजन चला गया वहां पर अपने ब्रह्मंडों में, ये सर पुरुष, इसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। आगे चल के ये इसकी कई नाम रखे जाएंगे इसी कहानी में। तो उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा कराया था, स्वीकृति दी थी सर पुरुष के साथ जाने की, परमेश्वर ने उसका एक युवा स्त्री रूप बना दिया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। और सभी आत्माएं जो उसके साथ आना चाहती थी, सब इच्छा से स्वीकृति दी थी, उन सबको बीज रूप बनाया अपने वचन से और दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे आजकल तो इस मार्ग को समझना बहुत आसान है, ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे बताते हैं कि एक ग्राम ब्लड में बिरन कितने 80 लाख, बिरन 50 लाख जीवाणु तो एक टाइप के होते हैं, अन्य और टाइप के, और उस ब्लड को दूसरे में डाल दिया जाता है या तो वो और बढ़ जाते हैं, दूसरे में डाले जा सकते हैं ऐसे जीवाणु भी। तो ऐसे ये व्यवस्था समझो, परमात्मा ने इस लड़की जो युवा बनाई थी उसका नाम रख दिया प्रकृति देवी, उसको माया भी बोलते हैं, आदि माया, प्रकृति देवी कहो आदि माया कहो। आगे चल के यही अष्टंगी कहलाई और यही दुर्गा कहलाई। अब इसको श्री दुर्गा कहें, श्री दुर्गा जी के शरीर में प्रवेश कर दिया सभी आत्माओं को और कहा, बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है। परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है और सभी आत्माएं तेरे अंदर प्रवेश कर दी हैं, और आप वहां जाइए ज्योत निरंजन के पास और जितने भी वो जीव कहे अपने वचन से उत्पन्न कर दिए, नर और मादा, ये कहकर उतने ही वो सामने प्रकट हो जाएंगे। और परमेश्वर ने अपने पुत्र सहज दास को, जो उन 16 पुत्रों में से जो सर्वप्रथम उत्पन्न किए थे उनमें से एक था, सहजदास से कहा कि पुत्र अपनी बहन को साथ ले जाओ और इस ज्योत निरंजन के पास छोड़ आओ, छर पुरुष के पास छोड़ आओ। इसको छर पुरुष भी कहते हैं, ज्योत निरंजन भी कहते हैं। यही आगे चल के गीता में जो कहता मैं काल हूँ, ये वो काल है, वहाँ छोड़ आओ। छर पुरुष को बता देना कि परमात्मा ने, यानी मेरी तरफ से कह देना कि इसके शरीर में सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है और इसको वचन दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, इसको शक्ति दे दी है, इसको वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा, नर और मादा, ये लड़की प्रकृति देवी ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास पिताजी के आदेश को सिरोधार्य करके अपनी बहन श्री दुर्गा को साथ लेकर ज्योत निरंजन के पास आ गया, यानी छर पुरुष के द्वीप में चला गया, उस लोग 21 ब्रह्मांडों में, उससे कहा कि ये बहन है और इस बहन के शरीर में परमात्मा ने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। अब सहजदास ने छर पुरुष से कहा कि पिताजी ने ये बहन भेजी है दुर्गा इस श्री देवी के शरीर में, वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इसको परमेश्वर कबीर देव जी ने वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के वो सहजदास उस लड़की को वहाँ छोड़कर वापस आ गया।
अब सहजदास के आ जाने के उपरांत वहाँ पर प्रकृति देवी और ये ज्योत निरंजन अर्थात छर पुरुष ये दोनों रह गए। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योत निरंजन यानी छर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। अकेली युवा लड़की को देखकर उसने उस लड़की के साथ दुर्गा के साथ श्री देवी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, तो प्रकृति देवी ने बार बार कहा कि ज्योत निरंजन तू ऐसा कर्म ना कर, मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो, आपका आपकी उत्पत्ति परमेश्वर कबीर देव जी से सतपुरुष से अंडे से हुई, उसके बाद हमारी भी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो। बहुत विनय करी लेकिन इस सर पुरुष में इतना काम वासना बढ़ गई, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि इसने एक नहीं सुनी, ना कोई मान मर्यादा रखी और लड़की के साथ इसने बलात्कार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोल रखा था दुर्गा ने यानी प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह में पेट में शरण ग्रहण की। वैसे तो कहीं भागे जान नहीं दे सकता था, पता था उसको, अपनी इज्जत रक्षा के लिए, अपने कौमारिये की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इससे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला और कहा कि ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, तूने इस अच्छे लोक में ऐसा जुल्म किया है, तू पहला व्यक्ति है, तूने यह बद नियत की है इस लड़की के ऊपर आज, और तूने इसको अपने पेट में निंगल लिया है, और तेरी जो क्रिया है यह भी एक बहुत अभद्र पुरुष की है, इसलिए तेरा नाम आज से काल होगा, तू काल नाम से जाना जाएगा और 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार क्रिया करेगा और 125,000 उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा तो उत्पन्न किया करेगा, और आज से तुझे यहां से देश निकाला दे दिया है परमपिता परमेश्वर ने, सतलोक से निकाल दिया तुम्हारे को 21 ब्रह्मांड समेत, दोनों यहां से निकल जाओ तुम। इतना ही कहा था उसी समय ये 21 ब्रह्मांड वहां से ऐसे चल पड़े जैसे विमान सफीड पकड़ देता है, और इस प्रकृति देवी से, दुर्गा से परमात्मा ने कहा कि बेटी तुमने अपने पैर पर आप कवाड़ा मारा है, अब तुम सब इच्छा से इसके साथ जा रहे हो और पिताजी के दिल से तुम उतरगी, क्योंकि वहां परमात्मा अपना रूप बदले हुए खड़े थे, अब तुम यहां नहीं रह सकते। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चले और सत्यलोक से बाहरी क्षेत्र से सीमा से 16 शंख कोश जैसे अरब खरब है, नील पदम 10 पदम फिर शंख 10 शंख ऐसे 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, 48 शंख किलोमीटर समझो, ये 21 ब्रह्मांड आगे। अब ज्योत निरंजन ने सोचा कि जो मेरे साथ होना था वो तो हो चुका है और मैं यहाँ का फुल फ्लेज हो गया, इंडिपेंडेंट हूं, अब अपनी मर्जी चलाऊंगा। इसने फिर से उस दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया, श्री देवी के साथ।
श्री देवी ने, दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन यानी छर पुरुष तू आँख खोल ले, देखो परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है, वर्ड पावर दी है, शब्द शक्ति दी है, मैं वचन से जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी तेरे यहाँ संसार के लिए। तो ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ मत कर। लेकिन ये नहीं माना। दुर्गा ने फिर याचना की कि देख पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से निकलकर तेरे शरीर से बाहर आई हूं, मैं तेरी पुत्री होगी, तू किसी नाते की तो लाज रख ले। लेकिन इस ज्योत निरंजन छर पुरुष ने उसकी एक नहीं सुनी। तो उसमें परमात्मा ने इस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, फिर इस काल ने, ज्योत निरंजन ने, ये तप से सिद्धियां भी आ जाती हैं, अपनी सिद्धि शक्ति से प्रजनन इंद्रिय बनाई, दुर्गा से बाई फोर्स विवाह किया और फिर इन तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी, तमगुण युक्त शिव जी। इन तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया। एक एक गुण युक्त कैसे किया? इस काल ने एक ब्रह्मांड के ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पर शिखर में एक गुप्त स्थान बना रखे है। उस गुप्त स्थान में दुर्गा और इस काल के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। तो वहां इसने तीन स्थान बना रखे हैं। उस गुप्त स्थान पर, गुप्त क्षेत्र में तीन स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में तीन कमरे हों, तीन कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों, जिसमें व्यक्ति उन अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा तो वहां जाकर उसका स्वभाव वैसा ही बन जाएगा, बट नेचुरल है। और फिर वो जाएगा उस जहां साधु संत फकीरों के चित्र लगे हैं, उन उसमें जाता है तो उसका एकदम विचार भाव बहुत ही विनम्र हो जाता है और भाव बदल जाते हैं। ऐसे ही जब वो जिस कक्ष में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हैं, तो वहां जाते हैं उसका अपने आप मनोबल उसी प्रकार का हो जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ने तीनों पुत्रों को, रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को, जब कैसे बनाया कि दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में, इस श्री देवी को पत्नी रूप में रखा। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में निवास करने लगे तो उस समय इस छर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, अपने पांच मुख बना लिए और वहां रहने लगे। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो पंचमुखी हो गया। और जब तक वो उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहे, इन दोनों का मनोभाव ऐसा ही बना रहा, जिस कारण से वो सभी गुण ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गए। और फिर बचपन से ही ब्रह्मा जी को इन्होंने कोमा में कर दिया, परवरिश जारी रखी। जैसे देखा है, एक बता रहा था जी, 10 वर्ष से एक लड़का कोमा में है, एक व्यक्ति का कोमा में, एक पाइप के द्वारा उसमें आहार पेट में भेज देते हैं। तो ऐसे रखते हैं, ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इनको सचेत कर देते हैं। अब दूसरे क्षेत्र जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये काल विष्णु रूप बना लेता है ये छर पुरुष, और अपनी पत्नी दुर्गा को वहाँ रखता है महालक्ष्मी रूप बना के। इन दोनों के संयोग से सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो वैसा ही सतोगुण युक्त हो जाता है। और फिर विष्णु जी को भी ऐसे ही ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इसको भी सचेत कर देते हैं। फिर ये तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं, कौन? ये छर पुरुष और दुर्गा। अब श्री देवी का वहां रूप पार्वती जैसा बना लेते हैं और स्वयं ये शिव रूप बना लेता, जैसे शिव जी का आप रूप देखते हो ऐसा ही
तो शिव रूप बना लेता है और उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमगुण युक्त हो जाता है। और जब वो पुत्र बड़ा होता है उससे पहले उसको कोमा में रखते हैं, उसी तरह युवा होने पर उनको सचेत कर देते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तीनों को इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा करके फिर ये काल क्या कहता है, जब ये तीनों पुत्र युवा हो गए और कार्य करने योग्य हो गए, सृष्टि की स्थिति ये संभालने योग्य हो गए, तब इस काल ने सर्वब्रह्म ने सर्वपुरुष ने कहा अपनी पत्नी दुर्गा से कि आज के बाद मैं किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल वास्तविक रूप में नहीं आऊँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और आप जाओ नीचे इन लोकों में, किस ब्रह्मांडों में, और संभालो सारी सृष्टि को। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मैं तेरे बस पड़ गई हूँ, अपने पैर पे मैंने आपको हड़ा मार रखा है, कुल्हाड़ी मार ली, अब तू जैसे नाच नचाएगा मैं मुझे नाचना पड़ेगा। एक बात बता, मैं स्त्री अकेली कैसे इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को चलाऊंगी, आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे सहयोग मिलेगा। तब उसने कहा कि मैं गुप्त रहूंगा, कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपनी योग माया से छुपा रहूंगा, लेकिन मैं तेरा सहयोग पल पल पर देता रहूंगा, तू तो केवल निमित्त मात्र होगी, जो भी कुछ करूंगा मैं अपना आप करूंगा, मेरे कर्म अलौकिक होंगे। इतना कहकर दुर्गा को इन तीनों पुत्रों के पास भेज दिया। दुर्गा ने इन तीनों को सचेत किया, एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया प्रेरणा कर करके, तब इनसे कहा कि तुम तीनों कार्य करो अपना अपना, ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति और विष्णु सतिथि और शिव संहार करो। तब इन्होंने कहा कि माता कहीं स्थान तो है ही नहीं, सब जल ही जल है, हम कहाँ रहेंगे, इनको वहाँ समुद्र के अंदर अक्षीर समुद्र में रखा हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि तुम चलो तीनों विमान में बैठो, इनको बहुत कुछ दिखाया, ऊपर के लोक लाख दिखाए सारे, फिर इन तीनों को की तीन राजधानियां बना रखी हैं, एक शिवपुरी, एक विष्णुपुरी और एक ब्रह्मापुरी। शिवलोक कहो से शिवपुरी कहो, ब्रह्मापुरी कहो से ब्रह्मालोक कहो, और विष्णुपुरी कहो से विष्णुलोक कहो। इनको तीनों को एक एक लोक में भेज दिया, अपनी नारी स्थान दे दिए। फिर इनसे कहा कि तीनों से कहा कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आदेश दुर्गा को देता है ये ब्रह्म सर्वपुरुष क्षरब्रह्म, और दुर्गा इन बच्चों से कह देती है कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आगे से काल ने सब व्यवस्था कर रखी थी, प्रथम बार जो सागर मंथन हुआ, इस काल ने क्या किया कि अपने श्वासों से चारों वेद छुपा दिए उसमें समुद्र में। सागर मंथन करने से वो चारों वेद बाहर आए, लिपिबद्ध हुए वे। जैसे दूध का प्रारूप कुछ होता है, उसमें जामन लगा देते हैं, दही बनती है, दही को रिड़कते हैं तो मक्खन का कुछ और ही प्रारूप होता, फिर दोबारा लस्सी में नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार वो चारों वेद अपने आप बहुत सुंदर कमल के फूलों पर रखे हुए आए, ब्रह्मा ने चारों उठा लिए। अब वो वेद लेकर आए तो दुर्गा ने आकाशवाणी काल ने बता दिया था कि ब्रह्मा को कहो ये वेद पढ़े और मैं उसको अंदर से प्रेरणा कर करके कुछ अर्थ बताऊंगा। तो ब्रह्मा ने उससे पहले ब्रह्मा और विष्णु और शिव वेद पढ़ने से पहले तीनों दुर्गा से पूछा करते थे कि माता हमारा पिता कौन है। दुर्गा को काल ने मना कर दिया था कि तू मेरा भेद नहीं बताएगी, उसी समय ये कह दिया था कि तू मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। अब उस काल के डर से, ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के डर से, दुर्गा ने सब भेद गुप्त रखा, अपने पुत्रों को बताया बेटा तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही सारी सृष्टि की रचनहार हूँ। तो बच्चों ने मान लिया जैसे माँ बताती है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा उसमें देखा कि सृष्टि रचनहार तो कोई और है,
वो परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा ने पूछा, माता ये वेद कैसे मिले हमारे को? दुर्गा ने कहा, ये भगवान ने दिए हैं भाई, ये गॉड गिवन है। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा ने कहा, माता वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, और आप कह रही हो कि तुम्हारा कोई पिता नहीं। वेदों में लिखा कि उसी ने सब कुछ, सबकी रचना की है, सबका रचनहार है, कुल का मालिक है। तो अब वेद झूठे नहीं हो सकते क्योंकि गॉड गिवन बता रही आप। अब दुर्गा फंस गई, अपना आत्मा कितनी झूठ बोल ले, सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती। कहते हैं, चोर चुरावे तोमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, में सच्चाई छैनी नहीं। फिर दुर्गा ने कहा, बेटा बात सुनो, वो निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, और क्यों व्यर्थ प्रयत्न करते हो, वो निराकार है। अब ब्रह्मा ने कहा, माता अब आपकी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो मैं आपकी प्रत्येक बात को सिरोधार्य करता था, सत मानता था, लेकिन आज आपकी बात में फर्क पड़ गया। अब मैं नहीं मानूंगा आपसे, मुझे परमात्मा चाहिए, क्योंकि ये आत्मा जब से उस परमेश्वर से बिछड़ी है तभी से उसका अभाव महसूस कर रही है, और उसी समय से खोज में लग गए। यहाँ हम आगे जहाँ हम उसको जिस विधि से खोजना चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, क्योंकि चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की, इस क्षर पुरुष तक के पाने की विधि लिखी है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है, जो वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में कोई तत्वदर्शी संत बताओगे उनसे पूछो। ये वेद भी यही कहते हैं, वेदों का सारांश गीता जी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है, ये गीता ज्ञानदाता ये क्षर पुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है, वो भी यही कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी कि तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताओगे। तो वेदों में जो प्रमाण लिखा है, तो ब्रह्मा ने सोचा कि वेदों में लिखा है कि ओम का नाम है और ओम नाम से जाप करूंगा मैं, और हठ योग कैसे शुरू किया इसने। अब वेदों में हठ योग करना नहीं लिखा, जैसे तप करते हैं ये ऋषि महर्षि, ये नहीं लिखा कहीं पर भी, लेकिन वो तप कहाँ से ग्रहण किया, इस तप वाला जो हठ योग की साधना कहाँ से ग्रहण करी ब्रह्मा ने। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुआ, श्री विष्णु जी के नाभि से कमल निकला और उसके ऊपर ये बैठे विराजमान पाया अपने आप को। काफ़ी समय तक उस डंठल को पकड़ कर नीचे उतरा, ऊपर नीचे घूमया, कहीं और छोर नहीं मिला, तो वापस उस कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गया। तब आकाशवाणी करी क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा ने वो आकाशवाणी परमेश्वर की मानकर तप शुरू कर दिया। जब इसने हजार वर्ष तक तप कर दिया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब तप से बैटरी चार्ज होगी। तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा, वेदों में जो लिखा है ये भी भगवान की वाणी, और जो मैंने सुना हुआ भी भगवान की वाणी। अब वेदों में जो ज्ञान है वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का दिया हुआ है। 5 वेद दिए थे परमेश्वर ने इस क्षर पुरुष को, इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे। अब जैसे किसी अंतःकरण में फीड कर दिए तो समय रख दिया परमात्मा ने, उसके बाद वो अपने आप बाहर आए, आने थे वो बाहर, 5 आगे। लेकिन इसने देखा पढ़ करके 5वें वेद में बहुत जानकारी थी परमपिता की, सत्य पुरुष की, परम अक्षर ब्रह्म की, इसने उसको नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए। अब चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने पढ़ा तो कहा, माता इसमें ओम नाम लिखा है और मैं परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि तेरा पिता तुझे नहीं मिला, तू कहाँ जा रहा है, तो तू क्या करेगा भाई, अगर तेरे को तेरा पिता नहीं मिला, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुझे अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा यदि भगवान नहीं मिला, क्योंकि वेदों में लिखा, ओम यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, इसलिए ये ओम नाम है क्षर पुरुष का, ब्रह्म तक का, क्षर ब्रह्म का। और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में वेदों में ज्ञान नहीं है साधना का, लेकिन उसकी महिमा बहुत लिखी है।
तीन वेदों को पढ़ने वालों ने परमात्मा की महिमा तो पूर्ण परमात्मा वाली ग्रहण कर ली और साधना इस ब्रह्म वाली कर ली। जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अधिक है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सत्पुरुष भी कहते हैं, लेकिन उसके पाने का मेथड नहीं है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है। वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो ओम नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में तीन प्रभु तीन मंत्र के जाप का प्रावधान है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में और 16 और 17 में विस्तार से विवरण दिया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष की तना कौन है, जड़ कौन है और शाखा कौन है, डार कौन है, पत्ते क्या हैं, इनको जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और उसमें 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में सर्वपुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म यानी उस उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो अध्याय नंबर 7 के मंत्र 29 में जिस तत्परम के बारे में कहा प्रभु, वो किम तत्परम, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही सबका सृष्टि रचनहार है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी जानकारी वेदों में पाने की नहीं है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा, ये दास बताएगा, परमात्मा ने भेजा है उस इसी उद्देश्य से। वो ना होने से ब्रह्मा जी ने ओम नाम का जाप किया, 4 युग तक समाधि लगाकर हठ योग भी किया। तब दुर्गा ने अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की और उससे कहा कि बेटी आप जाओ और ब्रह्मा को जो समाधिस्थ है उसको उठाओ और कहो कि आपको माता याद कर रही है, तेरे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही। अब 4 युग जब बीत गए, आकाशवाणी की दुर्गा को सर्वपुरुष ने कि दुर्गा सृष्टि रचो, दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी खोज में गया है, मेरे मना करते करते भी गया है। तब आकाशवाणी से कहा उस काल ने, सर्वपुरुष ने, कि उसको बुलाओ, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। तब वो लड़की वहाँ भेजी, लड़की ने जाकर के देखा कि आवाज़ लगाई, ब्रह्मा उठा नहीं। तब दुर्गा से अपना आकाश यानी अंदर से अंतःकरण से फोन किया, टेलीफोन किया कि माता ये उठ नहीं रहा, अब क्या करूं, बहुत आवाज़ लगा ली। दुर्गा ने कहा कि तू इसके चरण स्पर्श कर, चरण स्पर्श करते ही ब्रह्मा की आंखें यानी समाधि टूट गई। सामने देखा युवा लड़की को, ब्रह्मा जी ने कहा कि तू कौन उल्टा आ गई है, तुझे मैं श्राप दूंगा, तू मेरा तप भंग करने को आई है। तब लड़की ने कहा मेरे को माता ने भेजा है और आपके बिना सृष्टि रची नहीं जा रही है, बहुत चिंता है माता को, आप चलो। तब ब्रह्मा ने कहा कि कैसे चलूं, पिता के दर्शन हुए नहीं, माँ से मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि यदि प्रभु मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं तुझे सकल नहीं दिखाऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा, लौट कर नहीं आऊँगा, अब कैसे चलूं, मुझे परमात्मा मिला नहीं। फिर ब्रह्मा ने कहा कि तू एक काम कर, मेरी झूठी गवाही दे दे तो मैं तेरे साथ चल पड़ूँ। अब उस लड़की ने सोचा कि माँ का कार्य नहीं हुआ तो अक्षुब्ध होगी और यदि मैं झूठ बोलूंगी तो ये कह दे कि इसने अपनी मर्जी से बोला है तो फिर मैं मारी जाऊंगी, मेरे ऊपर ज़्यादा भार आएगा। तब उसने शर्त रखी कि तू मेरे साथ विलास कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी, तू मेरे साथ ऐसा कर। ब्रह्मा ने सोचा कि परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, वैसे मैं घर जा नहीं सकता। उसने उस लड़की की बात को स्वीकार किया। फिर लड़की ने अपने वचन से एक और लड़की उत्पन्न की और कहा कि 1-2 गवाह ज़्यादा अच्छे होते हैं। उस लड़की से कहा दूसरे नंबर की से कि तू भी गवाही देना कि ब्रह्मा जी को पिता के दर्शन हो गए,
और हमारे सामने होगी। उसने भी यही शर्त रखी इसी उद्देश्य से, कहीं मैं झूठी ना सिद्ध कर दे मुझे ये और ये आप बच जाएं। उस लड़की ने भी वही शर्त रखी ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने वो स्वीकार किया। अब तीनों के तीनों माँ के पास आ गए, दुर्गा के पास। अब दुर्गा ने पूछा, प्रकृति देवी ने पूछा ब्रह्मा से, क्या आपको अपने पिता के दर्शन हो गए? अब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिताजी के दर्शन हो गए। तब दुर्गा ने कहा कि भाई कैसे मानूं मैं तेरी बात को, क्योंकि दुर्गा को तो फाइनल था कि उसने कह रखा कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा फाइनल आदेश है, फाइनल फैसला है, डिसीजन है। अब दुर्गा को पूरा दृढ़ विश्वास था कि ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उसने कहा कोई गवाह बता भाई, कोई एविडेंस दे। ब्रह्मा ने कहा कि दोनों लड़कियां मेरी गवाह हैं। अब उस दोनों लड़कियों से दुर्गा ने पूछा कि बताओ तुम्हारे सामने इसको दर्शन हुए? हाँ, दोनों ने झूठी गवाही दे दी कि हमारे सामने इसको ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए हैं, मनुष्य दृश्य है, क्योंकि वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में और 5 के मंत्र नंबर 8 में, तो 8 में तो तीन बार लिखा भगवान के विषय में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 मंत्र में दो बार लिखा अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सहशरीर है, उस परमेश्वर का सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का शरीर है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 18 में स्पष्ट किया है कि वो नरवत अग्नि मनुष्यवत, मनुष्य के समान है वो परमात्मा। तो ब्रह्मा को वेदों से तो पता था कि भगवान मनुष्य जैसा है, उधर से उनको समझा दिया तुम न्यू बता दियो भगवान मनुष्य जैसा है। अब दुर्गा को सभी ने जब गवाही दे दी तो दुर्गा असमंजस में पड़ गई कि मेरे को तो वो कह रहा था मैं दर्शन दूंगा ही नहीं और इन बच्चों को दर्शन दे दिए। अब दुर्गा अपने मन में दुखी होकर दूर जा बैठी और कहने लगी कि आप तो बहुत झूठे हो, आकाशवाणी अपने इंटरनल कनेक्शन कर लिया, ऐसे ही कर लेते हैं बातें जब जिनकी भक्ति से जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, दूसरे से दूर देश में बैठकर भी बातें की जा सकती हैं। अब दुर्गा ने कहा कि आप झूठे हो, आप झूठ भी बोलते हो, संभालो अपने काम को, आप ही करो, मुझे कुछ कहते हो, बच्चों को कुछ कहा है। तब उस आकाशवाणी की उस काल ने, ब्रह्म ने, थर ब्रह्म ने कि तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। तब वो आई करड़ी होकर दुर्गा, जैसे जांच अधिकारी को जो पता लग जाता है कि सच्चाई क्या है, पहले तो विनम्रता से पूछता है वो थानेदार और फिर छोटा ठाकर खड़ा हो जाता है, साची बता दो, झूठ बोलते हो तुम, उन्होंने उससे पता किया, मैंने उससे पता किया, वो ऐसे ऐसे कह रहा। तब वो कहने गया कि मुझे आकाशवाणी हुई है परमात्मा की कि तुमने को कोई दर्शन नहीं हुए हैं। तब ब्रह्मा हंसने लग गया कि माता मैं प्रतिज्ञा करके गया था कि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा, पिता के दर्शन हुए नहीं थे, हम तीनों ने मिलकर झूठ बोल दिया वापस आने के लिए। तब दुर्गा ने तीनों को श्राप दे दिया, ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी वंशज होंगे तेरे जैसे लपाड़ लफंडर झूठे होंगे, सच्चाई का पता नहीं होगा, पर विद्वान कब आएंगे? तो ब्रह्मा जी के अनुयायी कौन है? ऋषि महर्षि, और उनको वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था और महर्षि की पदवी पा गए। अभी दिखाएंगे, घबराना ना, कोई पहली बार सुन रहा हो, पूरी डिटेल दिखाएंगे कि सतयुग के ब्राह्मण और गुरु ऋषियों को वेदों का ज्ञान कैसा था, उनको वेदों का ज्ञान ही नहीं था। अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरे को श्राप दे दिया, मेरी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा मूर्छित हो गया, इस आघात तो ऐसी लगी उसको वचन की। फिर दुर्गा ने विष्णु जी से पूछा कि पुत्र तू भी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर बाद में सृष्टि के दौरान तुम समाधि लाकर बैठ जा,
और सृष्टि कर्म बाधा पड़े। विष्णु जी चल पड़े पिता की खोज के लिए, शेष नाग के लोक में पहुंच गए। अपने आत्माओं प्रत्येक प्राणी ने अपनी जो डायरेक्शन कायम कर रखी है, सीमा कायम कर रखी है। जोटे ने भैंसे ना अपनी कर रखी है, जब दूसरा भैंसा आ जाता लड़ मरा उसके साथ। कुत्ते ने अपनी सीमा बांट रखी है। ऐसे ही जो ही शेष नाग के लोक में विष्णु जी ने प्रवेश किया तो शेष नाग ने सोचा कि तेरे लोक में, तेरी जुरिडिक्शन में ये कैसे आ रहा है निर्भय होकर के, इसको किसी का खोप नहीं, मैं यहां का सम्राट हूं। अब जो ही विष्णु जी निकट आए तो उसने 1000 फन ऐसे फैला लिए शेष नाग ने, और 1000 फनों से विष का फुहारा छोड़ दिया। जैसे धुंध हो जाती है ऐसे विष्णु जी के चारों तरफ उस विष के फुहारे का की धुंध होगी, और श्री विष्णु जी के शरीर पर, पूरे शरीर पर ऐसा पेंट हो गया काला, उस विष से काला शरीर हो गया। अब विष्णु जी ने देखा कि इस नाग ने ये क्या कर दिया, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, आगंतुक के साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार करता है, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, कोई इसको हानि पहुंचाई नहीं, मैं तो अपना कोई किसी खोज में आया था, और इसका इतना दिमाग खराब है। अब विष्णु जी ने सोचा कि ला इसको ख़त्म कर देता हूँ, इस नाग कीड़े को। जो ही शेष नाग को मारने के लिए आगे को चले विष्णु जी, आकाशवाणी की उस ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने, इनके पिता ने, कि विष्णु तुम ऐसे एक दूसरे को मारते रहोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, तुम वापस जाओ और कहीं पर, मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को, मेरी उपलब्धि कोई नहीं कर सकता, और जाके अपनी माता को सच सच बता दे कि मुझे दर्शन नहीं हुए, यदि तू झूठ बोलेगा तो तेरा भी हरास ब्रह्मा जैसा होगा, और इस शेष नाग ने जो तेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, इसका ऑयल, इसका टिट फॉर टैट, यानी इसका बदला तू द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में जाएगा, तब तू इसका बदला लेना, और अब इसको कुछ मत कहे। विष्णु जी को जब आकाशवाणी हुई, उसने परमात्मा की आकाशवाणी मान के वापस माँ के पास आ गया। दुर्गा ने पूछा, बेटा तूने अपने पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा कि नहीं माता, मुझे कोई दर्शन नहीं हुए। और माता ने पूछा, फिर तेरा हाल ऐसा कैसा हो गया कि ऐसे ऐसे शेष नाग के लोक में चला गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और आकाशवाणी में कहा है कि इसको अब मत मार, द्वापर युग में जब तू श्री कृष्ण रूप में जाएगा तब तुझे इसका बदला दिलाऊंगा। अब दुर्गा ने विष्णु जी को सीने से लगा लिया कि बेटा तेरे को सतीथी का विभाग दिया जाएगा, और तेरी पूजा जगमा होगी, और तू बहुत सच्चा व्यक्ति है। अब तीसरे शिव जी के पास दुर्गा गई अपने पुत्र के पास, और कहा, बेटा तेरे दो भाइयों को तो पिता के दर्शन हुए नहीं, उन्होंने खूब ट्राई कर ली, अब आप भी खोज कर लो अपने पिता की, कहीं फिर बाद में सृष्टि कर्म शुरू हो जाए उसके बाद तुम जाओ कितना संन्यास धारण करो, अभी जाके खोज कर ले। भगवान शिव जी ने, शंकर ने समझदारी की, कहा, माता जब मेरे दो बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, ब्रह्मा जी ने तो 4 युग समाधि भी लगाई, और विष्णु जी ने वैसे घूम घाम कर ढूंढना चाहा, तो मैं तो ट्राई ये नहीं करता माता, पर मुझे एक वरदान दे दो, दुर्गा से शिव जी ने कहा, तमोगुण शिव ने कहा कि मुझे एक वर दे दो माता कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं अमर हो जाऊं। अब दुर्गा ने कहा कि बेटा, श्री देवी ने कहा कि पुत्र यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, ये मेरे बस से बाहर की बात है, लेकिन मैं तुझे एक विधि बताती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे अधिक हो जाएगी। तो भगवान शिव ने कहा कि माता वही कृपा कर दो,
तो दुर्गा ने कहा कि बेटा इस आयु के बढ़ाने का एक विधि है, तरीका है कि प्राणायाम करके श्वास को सूक्ष्म कर ले, एक स्थान पर बैठा रहे और सूक्ष्म श्वास कम से कम लेने से आयु बढ़ जाती है, क्योंकि आयु श्वासों पर आधारित है। तो भगवान शंकर ने यही सिरोधार्य किया, हृदय से आप किया गया। आप देखते हो ज़्यादातर भगवान शिव जी समाधिस्थ रहते हैं, इनकी आयु भी सबसे लंबी है। सात ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होगी, सात विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शिव की, इसकी इतनी लंबी आयु है। और एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी का एक दिन, रजगुण ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, और इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष है हमारे मनुष्यों के? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। इससे सतगुण विष्णु जी की और विष्णु जी से 7 गुना तमगुण शिव जी की इतनी लंबी आयु होगी। फिर इन तीनों पुत्रों का दुर्गा ने विवाह करना चाहा। आकाशवाणी की उस काल ब्रह्म ने, सर्वपुरुष ने दुर्गा जी से कि दुर्गा तो इन तीनों बच्चों को पुनः सागर मंथर पर भेज दे, और वहां इनका विवाह करने के लिए तू ही तीन रूप बना करके तीन लड़कियों के रूप से निकलना। अब श्री देवी ने तीन रूप बनाए, गुप्त और समुद्र में छुपा दिए। उधर से तीनों पुत्रों से कहा कि जाओ बेटा तुम सागर मंथन करो। उधर से ये काल सब व्यवस्था कर देता है। इन्होंने जाकर के सागर मंथन दूसरी बार किया तो तीन लड़कियां बाहर आई। अब माता ने कहा था बेटा जो पहले निकले उसकी पहचान कर लेना अलग अलग, दूसरी बार जो निकले उसकी पहचान तीसरे के। तो तीनों ने आगे पीछे कर लिया, उनको माँ के पास ले आए। दुर्गा ने पूछा पहले कौन सी निकली थी? कि ये वाली, उसका नाम सावित्री रख दिया और ब्रह्मा से कहा कि ये तेरी पत्नी रूप में होगी। दूसरी को कहा तेरा नाम लक्ष्मी होगा और विष्णु जी से उसका विवाह कर दिया। और तीसरी से कहा कि तेरा नाम उमा होगा और उसका विवाह शिवजी से कर दिया। अब यहां से इस एक ब्रह्मांड में काल सृष्टि प्रारंभ हुई, इस क्षर पुरुष का परिवार प्रारंभ हुआ, इससे सुर और असुर उत्पन्न हुए। और पुण्यात्मा जो पुराणों में हम सागर मंथन सुनते हैं कि 14 रत्न निकले, भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। तो पहले ये इस प्रकार सागर मंथन हुए थे, वो इन वेदों में, इन पुराणों में नहीं है, वो सूक्ष्म वेद में है, पांचवें वेद में। पुण्यात्माओं अब ये है वो सृष्टि रचना जो पांचवें वेद में है, सूक्ष्म वेद में है। अब पांचवें वेद का हमें पता नहीं था, आदि शंकराचार्य जी ने अपने द्वारा रची पुस्तक में उस सूक्ष्म वेद का, पांचवें वेद का वर्णन किया है, और उन्होंने अपने द्वारा रची उस पुस्तक में उसको मेंशन किया है, समय आने पर दिखाएंगे। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले सन 1398 में वो सह शरीर आए थे, सतलोक से चलकर एक शिशु का रूप धारण किया था। काशी शहर में बने एक लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर विराजमान हुए थे प्रभु, और ये पांचवा वेद प्रदान करने के लिए आते हैं अपने मुखारविंद से, और उनको एक निसंतान जुल्हा दंपति उठा ले गए थे,
जुलाहे के घर प्रभु परवेश की लीला करते हुए बड़े हुए, वही कार्य करके दिखाया जनता को, क्योंकि ऐसी परमात्मा लीला किया करते हैं। वेदों में ऐसा ही लिखा है कि वो परमात्मा आता है प्रत्येक युग में, और ऐसे मनुष्य जैसे एक जीवन मनुष्य जैसे कर्म करके ये लीला करता हुआ अपना निर्वाह करके दिखाता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 17 में। तो फिर परमात्मा ने वो वाणी आज से 600 वर्ष पहले अपने मुख कमल से गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, जिसके विषय में कहा है कि धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की अत्यधिक जानकारी विस्तार के साथ सत्य जानकारी सही जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुखे माने उसके मुखारविंद से उच्चारित वाणी में बिल्कुल विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सभी कर्म समाप्त हो जाएंगे, यानी डड़े डोने बंद हो जाएंगे, गलत साधना आप नहीं करोगे। परमेश्वर कबीर देव जी उस समय कहा करते थे इन नकली गुरु आचार्यों से, मंडलेश्वरों से, कि तुम जनता को गुमराह कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं। परमात्मा कहा करते इनके माता पिता हैं, ये जन्मते मरते हैं, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो इस बात का बहुत विरोध हुआ था परमेश्वर का उन झूठे आचार्यों ने, उन नकली गुरुओं ने। कबीर परमेश्वर के बारे में बहुत गलत धारणाएं पैदा कर दी कि ये झूठा है, अशिक्षित है, इसने वेदों गीता को पढ़ा नहीं, पुराणों को पढ़ा नहीं, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता, अशिक्षित व्यक्ति है, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, ये झूठ बोल रहा है, इसकी मत मानना मत सुनना। उस समय तो हम धोखा खा गए जनता वाले, क्योंकि हमारे आचार्य जो हैं, जो गुरु लोग थे, ब्राह्मण ऋषि थे, वो संस्कृत भाषा जानते थे। तो हमने ये सोचा कि ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में विद्यमान है, लिखे हैं, तो कबीर जी संस्कृत नहीं जानते क्योंकि ये किसी ब्राह्मण के पास पढ़े नहीं, इसलिए कबीर जी झूठ बोल रहे होंगे, ये हमारे गुरु, ये आचार्य, ये सत्य कह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के उस ज्ञान को हमने स्वीकारा नहीं, और उसी का खामियाना आज तक भुगत रहे हैं। हम भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, हमें ज्ञान भी प्राप्त है वो परमात्मा का ज्ञान नहीं है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या बोला था, क्या बताया था। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से 21 तक, उसमें कहा कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में स्पष्ट किया है परमात्मा कि वह शिशु रूप धारण करता है, और जब वो शिशु रूप में आता है परमात्मा तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, और वो परमात्मा तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ वर्णीय आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको फिर तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करता है। उसी आधार से परमात्मा जो लीला किया ही करते हैं उसी तरह करते हुए आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। अच्छी आत्माओं में से किन किन अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादूदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा साहिब जी गाँव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले। तो वो परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो ऐसा करते हैं, वेद भी गवाही दे रहे हैं। उसी आधार से परमात्मा धर्मदास साहिब जी को मिले थे जो बांधोगढ़ के रहने वाले थे, मथुरा में गए हुए थे भगवान की खोज में। वहाँ परमात्मा ने कहा था इन तीर्थों पर भगवान नहीं है, भगवान आपके सदग्रंथों में लिखी हुई विधि से प्राप्त होगा। और धर्मदास जी आप यहाँ कह रहे हो कि भगवान यहाँ घूमा करते थे श्री कृष्ण जी, फिर अब तो नहीं है वो,
या तो घुमा करते थे उस समय आते तुम, अब वो है ही नहीं, अब क्या ढूंढने आते हो। आपके सदग्रंथों में लिखे हैं, उन सदग्रंथों से ढूंढो। क्या बताया भगवान ने, धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए वो राम नियारा। परमेश्वर कबीर देव जी ने ये सृष्टि रचना धर्मदास जी को सुनाई थी, आदरणीय धर्मदास साहब जी को, परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने जो कथा दास ने आपको सुनाई, यही कथा आदरणीय धर्मदास साहब जी को सुना रखी थी, उसमें से दास ने आपको सुनाया। अब ये उनकी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है, कबीर सागर में लिखा है, उससे पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। वो कबीर वाणी कहलाती है, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, जिसके विषय में गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सचिदानंद घन ब्रह्म की मुखारविंद से उत्तरित उस अमर वाणी में, कबीर वाणी में लिखा है। धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जान पुद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भ्रम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति मैं तुम्हें बताता हूँ, परमेश्वर कहते हैं कबीर जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी क्या बता रहे हैं कि अब मैं तुझे तुम्हारे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। पुण्यात्मा, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह ज्ञान अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा, बोला, वो लिखा गया, और यही अभी आपको रूबरू कराएंगे पुराणों में और वेदों में, गीता जी में। आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि सचमुच भगवान ने हमारे को कैसा मूर्ख बना रखा था, नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने, हमें हमारे सिलेबस से भी परिचित नहीं कराया इन अध्यात्मिक गुरुओं ने। हमारा सिलेबस है हमारे सदग्रंथ है, इनके विरुद्ध जो ज्ञान सुना जाता है शास्त्र सिलेबस के विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहो गौराई सब संशय तुम रे मिट जाई। कहते थोड़े से समय में संक्षेप में बताऊंगा, उससे मैं सारे संशय दूर हो जाएंगे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। इस ज्ञान को जो बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे, इस कथा को, तो हृदय से लगाएंगे कि सचमुच सही है, और प्रमाण देखेंगे अपने सदग्रंथों में, पुराणों में और वेदों और गीता जी में। बुद्धिमान तो हृदय से लगाएगा कि सचमुच यही बात है, हमें पता नहीं लगा, और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, माने वो नहीं समझ सकेगा, वो तो अनाड़ी आदमी है, प्रमाण देखकर भी नहीं माने, वो तो अनाड़ी व्यक्ति है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब मैं तो बताने जा रहा हूं उसके बारे में, समझदार तो समझेंगे क्या। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के माता तो अष्टंगी या दुर्गा है, और पिता ये ज्योत निरंजन छर पुरुष छर ब्रह्म, ये काल है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले तो कहते हैं ज्योत निरंजन छर ब्रह्म का अंडे से जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई परमात्मा से ही, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की परमेश्वर ने ही, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष कबीर साहब ने। तो फिर क्या बताते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया दुर्गा को कहते हैं, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके अंदर विषय वासना प्रभावित होगी, प्रबल होगी। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। क्या बताते हैं कि इस काल के अंदर उत्तेजना उत्पन्न होगी, और दुर्गा इसके मुंह में चली गई, इसने बुरी तरह अभद्र तरीके से आलिंगनबद्ध करने के लिए हाथ फैला रखे थे, और किस करने के लिए मुंह पाड़ रखा था,
पागल की तरह दुर्गा इसके मुंह से चली गई अंदर पेट में। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। परमात्मा कहते धर्मदास जी, फिर मैं वहां गया दुर्गा के पास, जो पेट में थी उसके बाहर निकाला मैंने इसको। सतलोक में की न दुराचारी, काल निरंजन दीन निकारी। माया समेत दिया भगाई, सोलह संख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और ये काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की न नखरेखा से भग कर ली न। इस काल को धर्मराय भी कहते हैं, इसने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी भगवान के सामने। परमात्मा ने कहा था तू इन आत्माओं ने दुखी करेगा, यू बोला नहीं जी, जो जिसे कर्म करेगा उसे फल दूंगा, मैं कति धर्म का राज करूंगा, इसलिए धर्मराज कहलाया। लेकिन यहाँ कहलाता धर्मराज है, करता सारा न्याय है। धर्मराज मीन न्यायाधीश। अब ये काल वैसे तो न्यायाधीश कहलाता है और करता सारे न्याय। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार। अब क्या बताते हैं, धर्मराय को हिकमत की ना नखरेखा से भग कर ली ना। कहते दुर्गा के प्रजनन इंद्री इसने अपनी सिद्धि शक्ति से बना ली। ज्योत निरंजन किन्ने भोग बिलासा, माया को रही तब आशा, दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, ये परमात्मा परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये सारा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का सारा ज्ञान बताया, विधान दिया 600 वर्ष पहले, और यही आज हमारे पुराणों में आपके रूबरू कराएंगे, देखना आप हैरान रह जाओगे। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन पुत्रों का जन्म होया दुर्गा से, इनका ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धरे गए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता इस काल के एक ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं और इन्हीं को सर्वेश्वर मान के ये जग धोखा खा रहा है। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन। तीन लोक पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक, ये तीनों लोक अपने पुत्रों को देखकर ये स्वयं सुन में शिखर में एकांत स्थान पर गुप्त रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं कहता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है ये काल प्रवेश करके, कहता है ये मूर्ख समुदाय मुझे मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझे मनुष्य शरीर में आया हुआ मानते हैं, कृष्ण मान रहे हैं, मैं आई एम नॉट कृष्ण। और ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अनुत्तम यानी घटिया नियम है मेरा। अब जो भगवान, अब जो पिता पुत्रों के भी सामने नहीं आता, उनसे भी छुप के रहता है, तो उसमें कोई दोष है, वो अच्छा नियम नहीं है उसका। इसलिए यह अनुत्तम घटिया अटल नियम लिखा, ये मेरा अटल नियम है, अविनाशी नियम है। और फिर कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, इसे सीधे कहीं पर आकार में है, अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं होता, जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने तो वो हमें दिखाई नहीं देता, उसका कुछ रोशनी अवश्य थोड़ी बहुत महसूस ही होती है फिर भी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, वो बादलों से पार अव्यक्त है, वहाँ पर साकार है। जब दिखाई देते ही वो बादल हटते ही वो साकार है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।